नमस्कार, दशहरा से दिवाली की इस सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली बार की तरह ही कांच के पत्तों से बना एक और लैंप बनाए जिसका नाम है क्यूब ऑक्टाहेड्रॉन। इसे बनाने के लिए हमें 48 पिन, कुछ रबर के टुकड़े और 24 ताज के पत्ते चाहिए। सबसे पहले पत्तों के चारों कोनों पे छेद कर लें। अब तीन पत्तों को पुश पिन से एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जोड़ लेंगे। अब दूसरी तरफ रबर लगा के उसे लॉक कर देंगे। ऐसे ही हम तीन तीन पत्तों के 8 ट्राइंगल बना देंगे। ऐसे ही हम 4 ट्राइंगल को एक साथ जोड़ के आधा गोला बना देंगे। ऐसे ही दूसरे 4 ट्राइंगल को जोड़ के आधा गोला बना। अब दोनों गोलों को एक साथ जोड़ देंगे। इसे और सुंदर बनाने के लिए इसके अंदर हम बल्ब लगा देंगे। अब चलिए इसके पीछे की थोड़ी गणित समझ ले। सबसे पहले हमने 24 पत्ते ही क्यों लिए, तो आपने गौर किया होगा कि ये स्ट्रक्चर 8 ट्राइंगल से बना हुआ है। एक ट्राइंगल में 3 पत्ते थे इसलिए हुए 24 पत्ते, और हर दो पत्ते एक पिन को शेयर करते हैं इसलिए हमारी पिन की संख्या है 24×4/2=48। अब इसमें 6 स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हर ट्राइंगल की एज पे एक स्क्वायर है। ऐसे तो 24 स्क्वायर होने चाहिए, लेकिन एक स्क्वायर को 4 ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं इसलिए 6 स्क्वायर होंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यूब ऑक्टाहेड्रॉन को क्यूब को वर्टेक्स पे चॉप करके बनाया जाता है। इससे वर्टेक्स पे ट्राइंगल बन जाते हैं और बचे हुए फेस पे स्क्वायर ही रह जाता है। क्योंकि हमारे पास 6 फेस है इसलिए 6 स्क्वायर और 8 वर्टेक्स है इसलिए 8 ट्राइंगल। इस सॉलिड को हम ऑक्टाहेड्रॉन से भी बना सकते हैं। असल में ऑक्टाहेड्रॉन क्यूब का ड्यूअल है। एक क्यूब को ऐसे चॉप करके ऑक्टाहेड्रॉन बना सकते हैं और एक ऑक्टाहेड्रॉन को ऐसे चॉप करके क्यूब बना सकते हैं, और दोनों से एक क्यूब ऑक्टाहेड्रॉन बना सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे इस सॉलिड को क्यूब ऑक्टाहेड्रॉन क्यों कहते हैं। धन्यवाद।